वेलकम बैक टू माय चैनल वॉन्डरिंग रोजो। आज है 23 मई और मैं आया हूँ आदि योगी ईशा फाउंडेशन जो है कोयम्बतूर तमिलनाडु में। तो हमेशा की तरह ये भी जो ट्रिप है मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया है। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, यहाँ पर स्टे का ऑप्शन क्या है, इसका कुछ एंट्री फ़ी है कि नहीं, कौन से प्लेसेस टू विजिट है, कितना टाइम लगेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन ना आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना। सो अभी मैं हूँ गांधीपुरम बस स्टॉप पर। सो अभी जस्ट हमें बस ने ड्रॉप किया है ईशा फाउंडेशन के बस स्टॉप पे। सबसे पहले आप आदि योगी जी का स्टैचू विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे ही योगेश्वर लिंग है नीचे, तो वहाँ पे जाके आप सीधा अंदर जा सकते हैं जहाँ पे सरपा बसई है जो ईशा फाउंडेशन के आश्रम का मेन गेट है। ओके सर, ना इफ यू आर डूइंग एनी प्रोग्राम दे विल प्रोवाइड द स्टे फॉर दोस डेज। योगा एंड इट्स फुल डेप्थ एंड डैमेज। तो अभी मैं हूँ गांधीपुरम बस स्टैंड पर और यहाँ से मैं बस लूँगा टू आदि योगी फाउंडेशन। 14D नंबर का बस है जो आदि योगी जाता है, तो मैं आपको आगे जाके उसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अभी मैं पहुंच गया हूं ईशा फाउंडेशन के बस स्टॉप पे। जो मैंने बस लिया था ना गांधीपुरम से, वहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 32-35 किलोमीटर्स और यहां पर आने के लिए ना हम लोग को आराम से 1.5 घंटे के आसपास लग गया। यहां पर उतर के आप ध्यानलिंगम जा सकते हो, स्टैचू विजिट कर सकते हो। वो दोनों प्लेसेस आप कैसे विजिट कर सकते हो आगे मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो जहाँ आपको बस ड्रॉप करेगा ना वहाँ पीछे ही आपको ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने के, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो ना तो यहीं से कुछ भी खा पी लेना, क्योंकि आगे जाओगे ना वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो बस स्टॉप से ना आपको ऐसे बैलगाड़ी भी मिल जाएगा जो 10-20 रुपया चार्ज करता है स्टैचू तक लेके जाने का। लेकिन अगर आपको बैलगाड़ी का अगर आपको यूज़ करना है आप वो कर सकते हो, या अगर आपको चल के जाना है ना वो भी कर सकते हो, इतना दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगेगा। मैं तो यही रेकमेंड करूँगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आप लोग को एक्सपीरियंस लेना है ना बैलगाड़ी में, पहले आप कभी बैठे नहीं हो तो बैलगाड़ी में ही बैठ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाउ टू रीच आदि योगी और ईशा फाउंडेशन। सबसे पहले आपको जाना है कोयम्बतूर में गांधीपुरम बस स्टेशन। गांधीपुरी बस स्टेशन से ना आपको हर 40 मिनट्स में या 1 आवर में ना आपको बस मिल जाएगा आदि योगी स्टैचू या ईशा फाउंडेशन के लिए। बस का जो चार्जेस है एकदम नॉमिनल फ़ी है 40 रुपीज़, और आप ज़्यादा लग्जरी एक्सपेक्ट मत करना, गवर्नमेंट बस है, कंफर्टेबल है। और आपको यहाँ पर मतलब टोटल जो डिस्टेंस है ना वो 30 किलोमीटर्स है और यहाँ पर आने के लिए आपको 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई एंट्री फ़ी नहीं है, सबको एंट्री है यहाँ पर। और ये जो स्टैचू आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, इसका जो हाइट है वो 112 फीट है और इसको बनाने में 500 टन्स मेटल लगा है। इसके लिए इसका नाम है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है।
यहाँ पर कौन से जगह पे हम लोग विजिट कर सकते हैं? सो सबसे पहले आप आदि योगी जी का स्टैचू विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे ही योगेश्वर लिंग है नीचे, तो वहाँ पे जाके आप सीधा अंदर जा सकते हैं जहाँ पे सर्पा बसई है, जो ईसा फाउंडेशन के आश्रम का मेन गेट है। ओके, वहाँ से सीधा अंदर जाकर आपको सूर्यकुंड और चंद्रकुंड दिखेंगे। सूर्यकुंड है जो सिर्फ मेन के लिए है, और चंद्रकुंड है जो सिर्फ लेडीज़ के लिए है। ठीक है, तो वहाँ आप थोड़ा सा ऐसा नहा के पानी लेके आप ध्यान लिंग विजिट कर सकते हैं। ओके, और वहाँ से थोड़ा सा पीछे ही उसके लिंग भैरवी देवी का टेम्पल। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आदि योगी स्टैचू विजिट होने के बाद ना, अगर कोई नेक्स्ट प्लेस आपको विजिट करना है तो वो है ध्यानलिंगा। पर वहाँ पर ना आप कोई भी कैमरा मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते, या तक कि ये जो बैग है ना छोटा सा, ये भी वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये सबको आपको काउंटर में डिपॉजिट करना होता है, और मैं आपको बताता हूँ आगे। सो ये जो काउंटर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आप आपके मोबाइल फ़ोन और बैग कुछ भी पर्स वगैरह रख सकते हो, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये फ्री होता है। आप यहाँ पर बैग डिपॉजिट करें, टोकन ले, और रिटर्न करने के टाइम वो सेम टोकन आपको वहाँ पर बताना पड़ता है, बस। सो हमारे साथ किशोर है जो यहाँ पर एक वॉलंटियर है। सो किशोर, अगर यहाँ पर किसी को स्टे बुक करना है तो कैसे कर सकते हो आप बताएंगे? आश्रम का ईशा वेबसाइट में जाके आप बुक कर सकते हैं, पहले ईमेल डाल के या फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, बट पहले बुक करके आश्रम में मिल जाएगा। ओके, और कितने दिनों का मतलब स्टे बुक कर सकते हो मिनिमम? इट डिपेंड्स ना, इफ़ यू आर डूइंग एनी प्रोग्राम दे विल प्रोवाइड द स्टे फॉर दोस डेज। You can inquire in the email also. Okay, and we have to book it in advance? Advance, yeah. 1 week, 2 week, yeah. Some people come for like 1 month also. Okay, okay. Yeah. Thank you so much for the information. Thank you. So, जैसे आपने अभी देखा, मैंने बात किया था किशोर पीछे ही है यहाँ पे volunteer. तो यहाँ पर stay के भी options है, लेकिन आपको क्या करना है ना, पहले आपको जो उनका website है वो मैं description में डाल दूँगा, अभी screen पे आता होगा। पहले आप वहाँ पर inquiry करें, advance में book करें stay, और उसके बाद यहाँ पर आए। और कभी कभी जैसे फेस्टिवल का टाइम हो गया, जैसे महाशिवरात्रि हो गया और गुरु पूर्णिमा के दिन, तो वो सारे दिन पर ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो अगर वो टाइम पे अगर आपको स्टे करना है ना, तो आपको कम से कम 3-4 हफ्ते इन एडवांस टिकट बुक करना पड़े, स्टे बुक करना पड़ेगा मतलब। सो आप मेरे जो पीछे देख रहे हो ना, आदि योगी दिव्य दर्शन, तो ये एवरी इवनिंग शाम 7 बजे ना लेज़र शो होता है, जो आदि योगी का जो स्टैचू स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वहाँ पर। तो इसका भी कोई प्रायः बुकिंग नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, फ्री एंट्री होता है। शाम को 7 बजे ये स्टार्ट होता है शार्प, और ये 20-25 मिनट्स का शो होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो ना, तो ये मिस मत करना, क्योंकि यही हाईलाइट होगा आपके इस ट्रिप का। और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर मानसून में आ रहे हो या कभी भी आ रहे हो और यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, तो कभी कभी शो कैंसिल हो जाता है। We'll be right back.
सो अगर अभी तक आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं ये भी बता देता हूँ यहाँ से आप घर कैसे जा सकते हो। जो लेज़र शो मैंने बताया वो 7:30 तक ख़त्म हो जाएगा, और 7:30 के बाद ना 7:30, 8, 8:30, 9, 9 बजे तक बस आपको मिल जाएगा गांधीपुरम के लिए। तो 9 बजे का है वो लास्ट बस है, उसको मिस मत करना। उसके अलावा यहाँ पर दूसरे भी ऑप्शन है, जैसे आपको ऑटो मिल जाएगा, दूसरे भी ओला उबर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप प्राइवेट कैब भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बस में जाना चाहते हो हमारी तरह, तो आप रात को 9 बजे का बस है ना, वो बस मिस मत करना। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आप लोग भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला मेरे वीडियो से जो आपको हेल्प करेगा आदि योगी या ईसा फाउंडेशन विजिट करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।